वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको एक चैलेंज है आप लोग के लिए, 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव मैथ का सही करके दिखाना है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम किस में है कितना दम। आज मैं मैथ का MCQ लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण VVI, जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में सीधे ही टैली करेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम किस में है कितना दम। एवरीवन रेडी हो जाइए, आज के वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको आना था, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, देखेंगे हम किस में है कितना दम, आप 30 में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो आपके सामने देखिए 30 महत्वपूर्ण VVI प्रश्नों का पहला प्रश्न है। मैं किसी भी स्टूडेंट्स का आज की वीडियो में नाम नहीं लेने वाला हूँ, बस सीधे क्लास होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? चैलेंज फॉर यू। पहला आपका ऑप्शन है पाई √7, √16/25 और 3√3/√2। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा परिमेय है। तो देखिए ये पाई जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, √7 अपरिमेय है नहीं होगा, 3√3 नहीं होगा। ये जो आपका बिल्कुल अमान का सी होगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का 5। ये आपका P/Q के फॉर्म में है और P/Q के फॉर्म में होने के कारण ये आपका बिल्कुल सही है। तो सी आपका 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x)² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/β का मान पूछा है। बहुत ही मोस्ट VVI प्रश्न, इसको लिख लीजिए, परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ से जब आप तुलना कीजिएगा तो a का मान 1 दिया है, ठीक है, बी का मान 2 है। फिर से लिख देते हैं, इसमें आपका ना ए का मान कितना है, तो a = 1, b = 2 और c = 3 है। तो हमें फाइंड आउट करना है 1/α + 1/β। आपको ट्रिक के माध्यम से इसका सूत्र होता है, सूत्र उसका होता है -b/c। तो b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो 2/3 हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपका b बिल्कुल सही हो जाएगा, -2/3। जिनके भी कमेंट में b है ना, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 3 नंबर आपका सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय बताना है, नहीं देखिए शब्द लगाना है। तो √7 अपरिमेय है, ये ऑप्शन नहीं होगा। √3/√7 ये भी अपरिमेय है, नहीं होगा। √2/√5 ये भी अपरिमेय नहीं होगा। इसका जैसे तोड़ेंगे तो देखिए इसको क्या तोड़ेंगे, 5×5×3 तोड़ेंगे और 48 को आप कैसे तोड़ेंगे, तो 4×4×3। तो इस तरह से यहाँ से आपका एक 5 बाहर निकल जाएगा, 5√3 हो जाएगा और यहाँ से 4 बाहर निकल के 4√3 हो जाएगा। √3 √3 कैंसिल आउट, तो 5/4 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल ही डी हो जाएगा, 3 का डी सही है। किसी का भी आज की इस वीडियो में नाम नहीं लिया जाएगा, नाम आपका उस दिन होगा जिस दिन आप कमाल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सब लोग लाइक शेयर कर देंगे, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करें। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी है। तो आपका इसमें आंसर जो है करेक्ट सी हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स जो है ना, एक्स आपका रूट में है, ठीक है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अरे अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सब लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट लाइक शेयर, रुकना नहीं चाहिए। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लेंगे। युगपत समीकरण ये दिया है 2x + 3y = 5 और 4x + 6 = 9। तो इसको बताना है संगत असंगत। तो सबसे पहले देखिए आप कैसे जानेंगे, a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 करेंगे तो a1 का मान यहाँ पे 2 दिया है और a2 का 4 कटाएंगे तो इसको आ जाएगा 1/2। b1/b2, तो b1/b2 करेंगे तो b1/b2, तो b1 का मान आपका 3 है और b2 का 6 है और 3/6 इसको कटाएंगे तो आपका 1/2, ठीक है। अब c1/c2, तो c1/c2 जैसे ही करेंगे तो c1 के जगह पर यहाँ पे 5 है और इसमें 9 है, तो 5/9। यहाँ पे ये दो को बराबर है लेकिन c1/c2 नॉट बराबर है, यानी कि इस तरह का कंडीशन आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, असंगत ऑप्शन दिया है, अद्वितीय हल दिया, अपरिमेय अनेक हल दिया है, तो इस कंडीशन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका देखिए इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ जो होता है समांतर आता है, इसका ग्राफ समांतर आता है और समांतर को असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत। तो यह ऑप्शन हो सकता है 5 का ए, और साथ ही साथ इसका हल कीजिएगा ना तो इसका यही आपका बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, असंगत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर। 6 है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे,
वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। तो यहाँ देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डी का जो मान है ना, डी विवेचक जिसको डी से वो जीरो से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो मान होता है वो वास्तविक और भिन्न होता है, इसलिए सिक्स नंबर में ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए सात नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। ये सात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स प्लस टू वाई बराबर नौ है और एक्स का मान पाँच है तो वाई का मान क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपके पास देखिए क्वेश्चन जो है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू नाइन, ध्यान से देखिएगा, एक्स का मान फाइव है, फाइव पुट कर दीजिए तो फाइव प्लस टू वाई इक्वल टू नाइन, तो टू वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा नाइन, अब प्लस फाइव इधर आएगा तो माइनस फाइव, तो टू वाई इक्वल टू नाइन में से फाइव घटाइएगा चार, और यहाँ दो दुनी की चार, दो बार में, तो इस तरह से वाई आपका कितना मिल जाएगा, दो, कितना मिल जाएगा दो। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं सात का बी, बी वाले सब लोग स्टूडेंटों का सही जवाब है। ठीक है, जिनके भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही है, वाह बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट में बी आ रहा है, 100% राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए फटाफट इसी तरह से एक एक क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट लाए हैं। आठ नंबर, ये द्विघात समीकरण है और विवेचक का मान पूछ रहा है, बहुत ईजी प्रश्न है। विवेचक बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी के जगह पर आपका है क्या, तो माइनस दो, तो माइनस दो का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस फोर गुने ए, ए का मान क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं तीन है, और सी का मान क्या है, एक बटा तीन है, ये तीन और ये तीन कट जाएगा, दो का स्क्वायर आपका चार होता है, और यहाँ माइनस चार है, चार और माइनस चार को घटाएंगे तो हमें जीरो मिलेगा, इसलिए आठ में बिल्कुल ही ए राइट आंसर है। ठीक है, ए वाले सब लोग सही है। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सार्व अंतर पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक सार्व अंतर से और बीबीआई है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूरी रहेगा, बोर्ड मॉडल है। डी बराबर होता है लगातार दो पदों का अंतर, जैसे कि सेकंड पे दस है, दस ले लिया, और फर्स्ट पे चार है, दस में से चार को जैसे ही हम घटाएंगे हमें छः मिलेगा, और छः हमारे नाइन के बी ऑप्शन में। ठीक है, तो नाइन का बी जिनके भी कमेंट में है उनका एकदम 100% राइट आंसर है। दस नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दस में पूछा है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी इस तरह से बना लीजिए, है ना, एक एक क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करा के बताएंगे, ट्रिकी भी बताएंगे, आपका समय भी बचाएंगे परीक्षा में। ठीक है, और डी जो है इसके समांतर है बीसी के, डी पैरेलल टू बीसी हो गया। अब यहाँ देखिए बीसी हमारा कितना है, आठ, ओके, तो डी का मान क्या होगा, तो देखिए ये डी जो होता है ना कभी भी इसका आधा होता है, इसमें दो से भाग कर दीजिए जो आंसर आएगा वही इसका आंसर, तो दो से भाग कीजिएगा तो चार आ जाएगा, तो चार हमारा दस के सी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सी में राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डी का मान हमेशा ही बी सी से छोटा होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इलेवन नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है कि ये समांतर श्रेणी है और ये ग्राहवा पद पूछा है, सबसे पहले यहाँ डी निकालेंगे, डी जिसको सार्व अंतर कहते हैं, तो सेकंड स्थान पे माइनस एक बटा दो है, फिर माइनस ये फर्स्ट स्थान पे माइनस तीन है तो प्लस तीन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस एक और प्लस तीन दूनी की छः बटा दो, तो इस तरह से डी हमारा आ जाएगा पाँच बटा दो। हमें क्या निकालना है, ग्राहवा पद, तो ग्राहवा के लिए ए इलेवन के लिए हमारा सूत्र होगा ए प्लस दस डी। ठीक है, तो ए देखिए हमारा है माइनस तीन, भर दिया यहाँ पे घेरे हुए हैं ए का मान, अब प्लस दस गुने डी, डी का मान है हमारा पाँच बटा दो, तो दो से कटा देंगे पाँच बार में, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा माइनस तीन और प्लस पाँच गुने पाँच पच्चीस, और पच्चीस में से तीन घटेगा बाईस, क्या आ जाएगा बाईस। तो यहाँ पे ग्यारह नंबर में बिल्कुल ही ए सही है, जिनके भी कमेंट में ए ऑप्शन है ना उनका सही है, ग्यारह का ए बिल्कुल 100% राइट आंसर है। सब लोग प्लीज़, जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सर को आपको लाइक करना है क्योंकि एक लाइक हमारी हौसला अफजाई को करती है, क्योंकि मैं स्क्रीन के उस पार हूँ और आप लोग स्क्रीन के इस पार हैं, तो इसलिए कैसे पता चले कि आप लोग पसंद कर आ रहा है कि नहीं, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा, अनुपात पूछा है, तो देखिए पहले दो फिगर बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, बहुत ईजी तरीके से बताया जाएगा, ये ए बी सी त्रिभुज हो गया और यहाँ पे आपका बगल में एक डी ई एफ बना देते हैं, ओके, तो दो आपने परमेय पढ़ा होगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी संगत भुजा, जैसे ये संगत भुजा हुआ ए बी, ये वाला एक हुआ इधर से डी, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी वर्ग हो गया संगत भुजा में ए बी का वर्ग डी के वर्ग के अनुपात, तो इसलिए हाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बारह का सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तेरह नंबर सवाल आपका है कि चार और माइनस तीन, तो देखिए पहला में प्लस प्लस चिन्ह होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है इसमें माइनस होता है या फिर प्लस होता है,
और तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस होता है तब जाके माइनस। इस क्वेश्चन में भी पहले प्लस है बाद में माइनस, तो यहाँ 13 में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, 14 नंबर सवाल दिया है कि ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो कॉस ए बराबर क्या होगा। तो जब भी देखिए ये ट्रिक है, इसका ट्रिक समझिए कि ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो, ए प्लस बी 90 डिग्री हो, कॉस ए पूछा है ना, कॉस ए, तो देखिए यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। अब पूछा क्या है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस बी, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पर क्या है बी, तो साइन बी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉस ए पूछे तो साइन बी, और अगर कॉस बी पूछे तो साइन ए के बराबर होता है। ये ट्रिक है, ये समझने का ट्रिक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सब लोग अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच कर रहे हैं। 15 नंबर आपका सवाल है कि ए बराबर 4-5 और बी बराबर 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताना है, बीच वाला बिंदु। तो करना क्या है कि पहला और पहला को जोड़ लेना है, तो पहला पे क्या है 4 और दूसरा पे क्या है 6, पहला पहला को एक साथ जोड़ के दूसरे भाग, तो 6 4 10 10 में दूसरे भाग होगा तो 5 आएगा। फिर दूसरा दूसरा को जोड़िए, तो दूसरा दूसरा पे 5 5 है, तो 5 और प्लस 5 इसमें दूसरे भाग होगा तो वही 5 आएगा, तो 5.5 हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में। ठीक है, तो 15 का बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सब चैप्टर से लिया गया है। 16 नंबर देखिए, 3 थीटा 90 डिग्री है, 3 थीटा जब 90 है तो 3 से कटा लीजिए 30 बार में, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान कोई पूछे तो हम जानबे करते कि 1/2 √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, तो आपका बी हो जाएगा। 16 का बी बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब लोग बेहतरीन तरीके से वॉच करते हुए, 17 नंबर आपका सवाल कहता है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए ये आपका फिगर हो गया, उन्नयन कोण यहाँ बनता है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, और 30 मीटर लंबी छाया है, छाया नीचे बनता है इस तरह से छाया, तो 30 मीटर हो गया, तो इसकी ऊंचाई बताना है, तो यहाँ टेन थीटा यूज़ करेंगे, तो टेन साठ लंब बटा आधार, तो लंब हो गया एच और आधार हो गया 30, टेन साठ का मान कितना होता है √3, तो √3 हो जाएगा और 30 जाके गुना करेगा, इधर का बचेगा h, तो इसलिए h बराबर आपका हो जाएगा 30√3, क्या हो जाएगा 30√3, तो 30√3 आपका 17 का ए हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे आप लोग, है ना, 100% 30√3 होगा। आपको एकदम ट्रिकी मैथ मिलेगा, आसान तरीके से मिलेगा और बेहतरीन बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, COR अंतभाग में एक बिंदु P है, देख लीजिए ये COR है, इसकी रेडियस R होता है सर्किल का। अब एक अंतभाग में यहाँ कहीं पे भी P है, मान लीजिए बिंदु P है ये और ये O है, तो O से मिलाइएगा तो P, तो OP जो डिस्टेंस होगा ना, यानी OP ये वाला लंबाई, ये वाला जो लंबाई है हमेशा ही R से छोटा होगा, तो OP R से छोटा, देखिए ये यही ऑप्शन को यहाँ पे देखिए लिखा गया है, देख रहे हैं ना 18 के बी में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर हमेशा ही बड़ा होगा, तो इसलिए 18 का भी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर देंगे, प्लीज़ सब लोग सर को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप और जितने भी आपके पास ग्रुप है शेयर जरूर कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पाद से देखिए मीनार एक बना लीजिए, कोई भी क्वेश्चन को समझिए पहले, कह क्या रहा है ना, बिना है ना अंदाज पे नहीं मारना चाहिए। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री हमने बना लिया, 50 मीटर दूर स्थित बिंदु, यहाँ मीनार के पाद बिंदु से एक कोई 50 मीटर पे ये बिंदु है, तो मीनार की ऊंचाई h निकालना। अभी ऐसा क्वेश्चन से बताया गया, तो इसमें tan थीटा यूज़ कीजिए, यानी tan 60 लंब बटा आधार, तो लंब हमारा ये वाला है जिसका मान h है और आधार हमारा 50 है, tan 60 का मान जानते हैं √3 होता है, आधार का मान 50, तो इसलिए h हो जाएगा, तो h बराबर आगे 50 और √3 में गुना करेंगे तो 50√3 मीटर। तो बिल्कुल ही जिनके भी कमेंट में बी ऑप्शन है 50√3 मीटर उनके सही हैं, और जिनको भी डाउट है इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए ताकि आपके समय बर्बाद नहीं हो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक शानदार धमाकेदार आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, अरे घर कहीं है स्वर्ग तो उतार अला जमीन पर, ये आपके लिए पहला मौका है, दिखा देना है कि हम हैं किसी से कम नहीं, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका एक अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा,
कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। देखिए मेरे प्यारे, इसको समझिएगा, ये देखिए सर्किल हो गया, ठीक है, और ये आपका बाह्य बिंदु हो गया। इससे आप इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, एक ये हो जाएगा और एक यहाँ से खींचिए, ये खींचिएगा तो एक ये हो जाएगा। तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो रेखा, एक ये वाला और एक ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका 20 का बी हो जाएगा, ठीक है, एकदम आपको 100% आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जरूर बताएंगे क्लास कैसा लग रहा है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से वाच कर, कल बारिश हो रहा था और बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा था, इसलिए कल लाइव नहीं आ पाए थे, सॉरी इसके लिए, नेट नहीं कल चल रहा था, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो एक इजी और वीवीआई बोर्ड मॉडल प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भुजा, ये सूत्र है और इसमें आप लोग सब लोग सही देंगे, कोई भी गलती नहीं देगा। पहला है थीटा बटा 270 इंटू पाई आर क्यू, थीटा बटा 360 पाई आर क्यू, थीटा बटा 270 पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल डी वाले सब लोग सही है, डी 100% आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 22 नंबर देखिए, एक घन का आयतन दिया है 125, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको सोल्यूशन कीजिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू का मान दिया है 125, तो ए क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए का मान हमारा आ जाएगा 5, ए 5 आ गया, हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का देखिए सूत्र क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा का मान कितना लाया है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 25 होता है, तो 25 और 6 में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 150, तो 150 आपके सी ऑप्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी 150 आ रहा है, बिल्कुल 22 का सी सही है, ठीक है ना। सब लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, 22 का सी 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, यहाँ पे देखिए 23, आज 30 में दिखाना है आपको दम कि 30 में कितने सही करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात, तो सबसे पहले देखिए किसका लिखना है, नया वृत्त और तब जाके पुराना, ऊपर होगा नया नीचे होगा पुराना, ये बात समझिए, ठीक है, ट्रिक समझिएगा। वृत्त की परिधि होता क्या है, तो 2πr, तो r देखिए नया में क्या हो गया, दुगुना हो गया है, तो r के जगह पे 2r रख दीजिएगा। अब पहले तो आपका r ही था ना, तो पहले आपका होगा 2πr, ये 2π से 2π कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो ऊपर में 2 बच गया, नीचे में 1, तो 2:1 और 2:1 आपका b में है, समझ में आया। नया में आपको त्रिज्या 2r लेना है, इसीलिए यहाँ पे हमने 2r यूज़ किया है और पुराना में r यूज़ करना है। आई होप डेट की समझ में आया होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, एक वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 और 14 है और बाल्टी की ऊंचाई 14, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, एक वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या है तो बाल्टी का आयतन होता है पाई एच बटा 3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम बाल्टी का आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए पाई के जगह पर यहाँ पे ये सूत्र हो गया, पाई के जगह पर 22/7 ले लेंगे और एच के जगह पर 14 ले लेंगे, ऊंचाई 14 दिया है और नीचे इसके 3 हो जाएगा। r1 मेरा 35 है, ठीक है ना, सॉरी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पे मैंने गलती किया है, ऊंचाई मेरा 40 है, यहाँ 40 ले लेंगे और नीचे में 3। r1 के जगह पर हम ले लेंगे 35 का स्क्वायर और r2 के जगह पर 14 का स्क्वायर, फिर 35 × 14, इसका पूर्ण सॉल्यूशन करेंगे और पूर्ण सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे हमें आंसर्स के रूप में मिलेगा 880 यानी कि 80,080, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूत्र बस याद रखना है, पाई एच बटा 3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये बाल्टी के प्रायिकता बाल्टी का आयतन निकालने का सूत्र है, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, वीवीआई मोस्ट वीवीआई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बोर्ड मॉडल प्रश्न, इसको कोई गलती नहीं करेगा, इस बार आज सीख के जाना है इसको। घटना ई है तो P प्लस PE नॉट यानी प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता नहीं होने की घटना का योग हमेशा ही एक होता है, बिल्कुल बी राइट आंसर है, समझ में आया। 25 का बी, ये कभी मत गलती कीजिएगा। ये देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, 26 मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और एक प्रश्न ऐसा रहता ही है बोर्ड मॉडल, देख लीजिए। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ये बात रखिएगा याद, प्रायिकता नेगेटिव में नहीं होता है,
नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखो कितने ही मिल गया कि -15 है, जो कि कभी प्रायिकता नहीं हो सकता, प्रायिकता नेगेटिव नहीं होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 26 में बी वाले सब लोग राइट आंसर है। चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 प्रश्न और है, देखते हैं कितना है आप में दम, आज अपना दम दिखाना है, माधिका निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और एक प्रश्न ऐसा रहेगा बोर्ड मॉडल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, VVI प्रश्न है। माधिका के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले 1 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, फिर इसके बाद 3 लिख लीजिए, 3 के बाद 4 का नंबर है 4 को लिख लीजिए, 4 के बाद किसका नंबर है 5 को 5 लिख लीजिए, और 5 के बाद आपका नंबर है 6 का 6 लिख लीजिए, और 6 के बाद 7 है 7 लिख लीजिए। माधिका का मतलब होता है, ठेठ भोजपुरी में समझिए, इसका मतलब होता है बीच में, क्या होता है बीच में। तो बीच में कौन पढ़ रहा है, 3 को इधर से हटा दीजिए और 3 को इधर से हटा दीजिए, तो बीच में आपका 4 पढ़ रहा है ना, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए 27 के ऑप्शन नंबर सी में 4 लिखा है, बिल्कुल सी हो जाएगा, समझ में आया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, बोर्ड मॉडल प्रश्न VVI है। तो देखिए कह रहा है कि एक पासा के फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता है, पासा में कौन कौन सी संख्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। तो नीचे आपको कुल घटना लिखना है, तो कुल घटना 6 हुआ है तो 6 लिख लिया, इसमें 3 कई बार आया है, तो 3 सिर्फ 1 बार आया है, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 28 का बिल्कुल ही स्टूडेंटों का सही है, जिनके ऑप्शन में बी है, ठीक है, 28 का बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 29 नंबर देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि किसी धनात्मक पूर्णांक के तथा बी के लिए AB का मौसा और AB का लौसा किसके बराबर होता है। तो आपने पढ़ा है ना कि HCF गुने LCM, H गुने L इक्वल टू A गुने B होता है, यानी कि पहली गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो 29 का सी में लिखा हुआ है A गुने B। तो जिनके भी कमेंट में सी ऑप्शन है, उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 महत्वपूर्ण VVI हमने प्रश्न लाया था और आपसे पूछा था शुरू में कि कितने आपके सही होंगे, देख दिखा देना है। एक फंक्शन दिया है x² - 5x + 7, तो आपसे पूछा है 1/α + 1/β का मान क्या होगा, मोस्ट VVI प्रश्न, एकदम लिख लीजिए, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, VVI है, ऐसा प्रश्न रहेगा। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में A का मान आपका दिया है 1, B का मान दिया है -5 और C का मान दिया है 7। पूछा क्या है 1/α + 1/β, तो इसका सूत्र आपका होता है -B/C। याद रखिएगा इसका सूत्र है 1/α + 1/β -B/C। अब B का मान क्या है -5, सूत्र में भी है -5 तो +5, और C का मान 7 तो 5/7, और 5/7 आप देख सकते हैं B ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो 30 का B 100% आपका करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास था इसमें 30 बेहतरीन प्रश्न आपको मैथ के कराए, कितने सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने लाइक ना किया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने शेयर में शेयर करें। और नए स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। 2024 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल, एक बेहतरीन धांसू ट्रिक के माध्यम से हर सब्जेक्ट्स में आपको कुछ नया नया चीज़ सिखाया जाएगा, जो कि नया होगा, ठीक है ना। तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। चलते चलाते 2 लाइन आपके लिए है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, अरे मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सब ने वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम जियो 1000 साल, साल के दिन हो 10,000। सब लोग जरूर मेरे प्यारे स्टूडेंट लाइक शेयर कर देंगे, चैनल को बड़ा बनाइए, आपका है चैनल और आप ही की मदद से बड़ा भी होगा। प्लीज़ लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। और कल 7 PM में एक शानदार क्लास साइंस का होगा, देखना ना भूलेंगे साइंस का। और आज अभी 8:15 में भी एक वीडियो आएगा, जिसमें आपको साइंस के कुछ 20 है ना चैलेंजिंग प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हर साल एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।